ये स्कूल बहुत डिफरेंट है बाकी स्कूल से जो आज के दिन में एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में, क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल एडवांस लर्निंग, जैसे आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, एडवांस लर्निंग, न्यूरो साइंस एंड एजुकेशन तो है ही है, एंड NLP के साथ, और इसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल ब्लेंडेड स्कूल है ये, तो इट्स अ प्योरली बैगलेस कॉन्सेप्ट। सो बच्चा जब यहाँ पे आएगा तो पेरेंट्स हैव टू जस्ट फॉरगेट देम, कि यू लीव देम एंड यू फॉरगेट देम। सो दिस इज़ लाइक व्हेन यू गो टू अ सुपर मार्केट, देयर मेनी सुपर मार्केट से दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, उसके मोटर स्किल्स ही डेवलप नहीं होंगे, उसके ब्रेन ही नहीं डेवलप होगा। सो वॉट एवर लाइक वी आर गोइंग टू डू, एनवायरमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे एम्बियंस बना रखा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, व्हाट अ चाइल्ड नीड्स फॉर द ग्रोथ। ये स्कूल भारत ही नहीं, राजस्थान, मैं तो ये बोलूँगा कि देश के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि बच्चे पुरानी टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, जिसमें बार बार लिख के पढ़ना या बार बार पढ़ के याद करने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये फ्लेक्सिबल लर्निंग बेस्ड स्कूल है जो बैगलेस है। इवन हमारे प्रधानमंत्री साहब भी चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री शिक्षा का माहौल बने, बैगलेस स्कूलिंग हो, लेकिन ये सब अभी तक बातों में ही हैं। जो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये शिक्षा वहाँ की शिक्षा यहाँ पे लाई जा रही है, उनकी टीचिंग जो टेक्नोलॉजी है वो हम ला रहे हैं, और भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो हम विश्वगुरु थे नालंदा तक्षशिला के समय, वो सांस्कृतिक एजुकेशन जिसमें फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल की शिक्षा भी हम उसमें कंबाइन कर रहे हैं, तो ईस्ट वेस्ट ब्लेंडेड टाइप की एजुकेशन बच्चा सीखेगा। कंप्लीट डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं बच्चे की पढ़ाई में नॉर्मली, वो यहाँ पे आने वाला है। रिट जी स्कूल, इस स्कूल की कल्पना इसलिए की गई है कि भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है, पुरानी आदिकाल से चली आ रही है, उसी पद्धति को वर्तमान जो विश्व में शिक्षा पद्धति चल रही है उसके साथ समायोजित करते हुए ये एक नई कल्पना की गई है, और इसको साकार करने के लिए रिट जी को हमने जयपुर में और राजस्थान में स्थापित करने का प्रयास किया है, और उसकी ये पहली ब्रांच है, और इसका पूरा जो आधार है वो वर्तमान शिक्षा पद्धति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति दोनों को मिलाकर समावेश करके इस रिटजी की स्थापना की गई है। एज ए पेरेंट मैंने ये देखा है, फील किया है कि जो बच्चे हैं उनको लेके माता पिता और बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं कि आगे जाके होगा क्या, क्योंकि आने वाला युग को अगर देखें तो वो आर्टिफिशियल युग की तरफ जा रहा है, जहां हम जो नंबर और इनके लिए जो दौड़ कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो जीरो होने वाला है। तो हम एज ए पेरेंट हम भी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि बच्चे को करें क्या ऐसा। जो चीज़ आज से भारत में 20 साल बाद आने वाली है, वो चीज़ डॉक्टर पारिक सर और अर्पणनाथ जी ने ये जयपुर में पहले लॉन्च की है, तो इससे हमें विशेष तौर से, हम माता पिता को ये फ़ायदा होने वाला है कि हम भी अपने बच्चों को वहाँ देखें जहाँ एक माता पिता अपने बच्चों में देखना चाहते हैं।